तो टीचर्स उन सारी फील्ड्स की तरफ आगा करें जिसमें इंटरेस्ट होता है। आर्ट तो एक एक उस्ताद जो है वो बच्चे को उसकी, चूंकि वो रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए, तो वो उसका एक एक लफ्ज जो है बच्चे के अंदर जाता है और बच्चा उसको उसकी कभी कभी पूरी जिंदगी उसके उसी एक जुमले के तहत चेंज हो सकती है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा भी है और बहुत दिलचस्प भी है और बहुत इंस्पायरिंग है। तो हमारे असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चे की नफ्सियात को समझ के उसको देख के कि किस तरफ उसका ज़ौक़ है, किस तरफ वो जाना चाहता है, उस तरफ उसको गाइड करना शुरू करें। वो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी, वो हम अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम अपनी सलाहियतों को जो है तो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी सलाहियतें हमारे अंदर, हम असातिज़ा बिरादरी के अंदर मौजूद हैं, वो बच्चों के अंदर हम उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करें कि हमको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रहना है कि मैंने कमरे जमात के अंदर जो वक्त मुझको दिया गया था क्या मैंने उसका हक अदा करने की कोशिश की। कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है कि जिस उस्ताद के दिल में खुदा का खौफ है वो मिसाली है, इसकी अपनी इज्जत करना सीखे। असातिज़ा जरा याद करें कभी उन्होंने कभी अपने क्लास में इस मौजू पर मजमून लिखवाया कभी कि अगर मैं उस्ताद होता। एक मिसाली उस्ताद वो होता है जो मुतून से फुलून तक ले जाता है और बच्चों को फनकार बना देता है, फन तक ले जाता है। मिसाली उस्ताद की इससे बेहतर तारीफ मेरी नज़र में और कोई नहीं है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा को चार जिम्मे में काम करना चाहिए, इक्तसाब बराए इल्म, इक्तसाब बराए अमल, इज्तमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए इक्तसाब और तशखीस के लिए इक्तसाब।